हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? आई होप एवरीवन इज़ गुड, फाइन, फिट एंड सभी तगड़े हुए पढ़ाई के लिए। बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग आज जो लेक्चर बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। पहला बात कि ये लेक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में या एग्जाम्स में आना एकदम तय है, तो आपको एकदम पूरा क्वालिटी से मेंटेन करना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है बच्चों? तो देखते हैं इसका मेन मूल मंत्र क्या है और आज का मेन टॉपिक क्या है। आज का मेन टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस ही क्या है, पहले थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद भी हम लोगों को वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, फिर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ या कर्व आपको ड्रॉ करना होगा। फिर हमारे अंतिम लेक्चर पे, हम तीसरे लेक्चर पे हम लोग जाएंगे, वो जो अंतिम लेक्चर होगा वो रॉल्स लॉ, मतलब जो केस 3 होगा गैस इन लिक्विड्स, उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे टॉपिक लिखते हैं बच्चों, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन है? सिंपल सा चीज, अगर मैं इसको डिस्कस करना चाहूँ, इसके ऊपर तो थ्योरी वगैरह तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं बच्चों जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रॉल्स लॉ आर फॉलोड या इज फॉलोड, ठीक है बेटा? तो रॉल्स लॉ को जो फॉलो करता है उसको, उन सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस। तो व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। और ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो पॉजिटिव डिविएशन कहलाएंगे, एक होते हैं जो पॉजिटिव डिविएशन कहलाएंगे, और एक ऐसे होते हैं जो नेगेटिव डिविएशन कहलाएंगे। तो एकदम क्लैरिटी रखे बच्चों, आपको एकदम क्लैरिटी से पढ़ना होगा कि रॉल्स लॉ जो फॉलो करते हैं उनको हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस बुलाते हैं बच्चों, और जो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बुलाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि गैसेस, आइडियल गैस एंड रियल गैस, उसी तरह आइडियल सॉल्यूशंस एंड रियल सॉल्यूशंस, ठीक है? रियल सॉल्यूशंस दो तरीके के होते हैं, एक जो पॉजिटिव डिविएशन क्रिएट करेंगे, एक जो आपके नेगेटिव डिविएशन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? पूरा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम लोग अभी देखना चाहे तो पहले हम लोगों को ये चीज़ याद है शायद, आइडियल सॉल्यूशंस में हम लोगों ने ग्राफ वगैरह सब कुछ बना ली थी, ठीक है, वो प्रेशर वर्सेस कंप्रेशन। तो अभी डायरेक्टली मैं पॉजिटिव डिविएशन के ऊपर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? तो पहला है आपका पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन में आप लिख लो बेटा, मैं बताने जा रहा हूँ अभी। ओके तो चलिए अभी हम लोग एक ग्राफिकल एनालिसिस बना लेते हैं बच्चों। तो ग्राफिकल एनालिसिस के हिसाब से फिर से हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब कुछ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तेरा हो गया क्या? चलो मान लेते हैं, ठीक है। ओके नाउ अभी यहाँ पर मेरा प्रेशर है और यहाँ पर मेरा मोल फ्रैक्शन है। हालांकि मुझे एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दो दो कंडीशंस के मोल फ्रैक्शन चाहिए होंगे। ओके चलो, अभी हम लोगों ने दो दो सिस्टम बना ली। यहां पर नीचे है आपके मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, ठीक है? तो अभी मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं बच्चों कि लेट पी नॉट ए बी ग्रेटर देन पी नॉट बी। ये मैं मान के चलता हूं कि वॉलेटाइल नेचर ए की ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बी। अगर ये सही है तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं इस तरफ से एक्स ए की वैल्यू 1 डालूंगा, बी की वैल्यू 0 डालूंगा, इधर एक्स ए की वैल्यू मैं 0 डालूंगा और एक्स बी की वैल्यू मैं 1 डालने वाला हूँ, ठीक है? अब अगर आपको डिटेल्स में देखना चाहे तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए पी नॉट बी की हाइट होंगे, क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ कौन सा लिक्विड मिलेगा आपको? पी नॉट बी की वेपर प्रेशर्स मिलेंगे। इधर क्या मिलेगा आपको? पी नॉट ए। अब सर ये पी नॉट ए का हाइट क्या था? भूल मत जाओ बच्चों, पी नॉट ए की हाइट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पी नॉट बी। इसका मतलब ये है कि पी नॉट ए इज मोर बिकॉज इट्स मोर वॉलेटाइल, ठीक है? तो नॉर्मली जो हम लोग मान के चलते हैं बच्चों, हमारे पास ये चीज़ होती है, करेक्ट? ये हमारी टोटल सिस्टम होती है, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ यहाँ पर चीज़ें
बदलने के लिए शुरू होंगे, जैसे इसका ग्राफ कुछ लगभग ऐसा होगा। सो जो टोटल का जो एक्सपेक्टेड था उससे कुछ ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या कौन सा डिविएशन चल रहा है बच्चों? पॉजिटिव डिविएशन। जो आपका वेपर प्रेशर का ग्राफ था वो थोड़ा ऊपर जा चुका है। वैसे ही हम लोग कुछ ऐसे भी ड्रॉ करते थे, या मान लीजिए मैंने ऐसे भी आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, तो इन सब से पड़े है ये चीज़, ये ज़्यादा हो रहा है। What is happening to the yellow lines? The yellow lines are depicting us something. क्या डिपिक्ट कर रहा है बच्चों? ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये जो येल्लो लाइन है ये एक्सपेक्टेड लाइन से ज़्यादा हो रहा है। ये नॉर्मली हम लोग यही लाइन पकड़ते थे, लेकिन इस बार जो येल्लो लाइन है वो ज़्यादा हो रहा है कुछ, ठीक है। इसका मतलब क्या है थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो ये था कौन सा पी टोटल, ठीक है, ये था हम लोग का पी बी और ये हमारे था पी ए। तो ये नॉर्मल हम लोग जब स्टैंडर्ड केस में विदाउट कोई डिविएशन पढ़ते थे तो ये डॉटेड लाइन से ही हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अभी तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं उससे। क्यों ज़्यादा हो रहा है बेटा? क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन सी डिविएशन चल रही है बेटा? पॉजिटिव डिविएशन। अब पॉजिटिव डिविएशन का मतलब ये है कि द एक्सपेक्टेड प्रेशर इज स्मॉल देन द एक्चुअल प्रेशर, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड प्रेशर है वह एक्चुअल प्रेशर से कम है, एक्चुअल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, जो आपको कैलकुलेट करके मिल रहा है ना सत्य में वो ज़्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू द एक्सपेक्टेड प्रेशर्स। इसका मतलब या अर्थ क्या है? इसका अर्थ कुछ ऐसा होगा बेटा कि जो आपको पीबी मिल रहा था उससे ज़्यादा मिल रहा है। मीन्स नाउ द पीबी इज, दिस इज द एक्सपेक्टेड वन, दिस इज द एक्सपेक्टेड वन, दिस इज ऑल्सो द टोटल एक्सपेक्टेड वन, ठीक है। जो पीबी मिल रहा है दिस इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। उसी तरह ये जो पी ए मिल रहा है दिस इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, और ये जो टोटल मिलेगा पी टोटल दैट इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। तो जब भी ऐसा हो कि आप दो लिक्विड्स को सामने लाए, उसको मिक्स किया जाए और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था, मान लीजिए एक का 100 था एक का 200 था, उस टोटल से ज़्यादा अगर मिल जाए तब आप वो कौन सा सोल्यूशन चल रहा है, तब आपका आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशंस विथ पॉजिटिव डिविएशन। ए का भी ज़्यादा हो रहा है, बी का भी ज़्यादा हो रहा है, टोटल में भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपकी नॉर्मल कंडीशन हो चुकी है। ये सही है बता? आई थिंक एवरी वन इज क्लियर। जब पॉजिटिव डिविएशन बार बार, इसके ऊपर तो महाभारत का पॉइंट नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, लेकिन बड़ा इसके ऊपर क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ एकदम हमेशा क्लैरिटी से रखना पड़ेगा बेटा कि कुछ भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, आप ये ध्यान में रखें कि पी ए इज हैज़ टू बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी हैज़ टू बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, एंड पी टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। यही है आपकी पॉजिटिव डिविएशन, ये आपकी मेन नॉर्मल थ्योरेटिकल ग्राफ। अब अगर इसको आपको ध्यान से देखें तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग एक नाम देते हैं। यहाँ पर वेपर प्रेशर इज ग्रेटर, बढ़ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर थे वो बढ़ चुके हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ डिक्रीज्ड। तो ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम हो चुका है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कभी ये मिक्सचर भी बताया जा सकता है। अब फिर से बताता हूँ बेटा, ये पहला एकदम क्लैरिटी रखे बच्चों, हाँ एकदम ज़बरदस्त क्लैरिटी से रखे कि पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या है। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब ये है जो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा मिल रहा था, तो हम लोग के पास वी ऑलवेज नो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी इनवर्स रिलेशन विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ये तो बार बार हम लोग पढ़ ही चुके हैं पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर ये सत्य है तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है इसलिए ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर्स विल बी ड्रॉपिंग डाउन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर्स विल बी ड्रॉपिंग डाउन, ठीक है बेटा। ये पहले ड्रॉ कर लो बेटा, फिर हम लोग आते हैं उसके अगले पॉइंट पे। आज का लेक्चर सिर्फ इसी पॉइंट पे आधारित है और ज़्यादा नहीं, इसके ऊपर पूरा स्पेसिफिकली हम लोग करेंगे, बोलेंगे जो भी कुछ करना है, तो आप इसको एकदम टेंशन ना लें,
इसकी लॉजिक भी बताऊंगा अभी, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा मैं, आप टेंशन ना लो, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। नाउ द रियल थ्योरी, रियल थ्योरी बिहाइंड पॉजिटिव डिविएशन। अब ये पॉजिटिव डिविएशन कर क्यों रहा है ये भी तो जानना जरूरी है हमको, ठीक है। द रियल थ्योरी बिटवीन बिहाइंड द पॉजिटिव डिविएशन। अगर आप प्रैक्टिकली देखो अभी, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ता हूँ बेटा, कि मान लीजिए कि मेरे पास अल्कोहल था, एक बीकर था जहाँ पर मेरे पास अल्कोहल्स थे, और ये अल्कोहल्स कुछ ऐसे थे, इनके बीच क्या चल रहा था, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉज प्रेजेंट। अब इस केस में मैंने क्या किया, मैंने बाहर से एक नया सब्सटेंस, मान लीजिए ये कैपिटल ए है, ठीक है बेटा, ये कैपिटल ए है, ये ए और ए के बीच में, ये ए और ए के बीच में अट्रैक्शन वॉज स्ट्रॉन्ग, इंटरेक्शन वॉज स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग बेटा, क्योंकि यहाँ पर वाई वॉज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज देर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, देर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से मैं एक लिक्विड को डाल रहा हूँ कैपिटल बी, और उस लिक्विड भाई साहब का नाम है साइक्लोहेक्सेन, उस लिक्विड भाई साहब का नाम है साइक्लोहेक्सेन। अब जब साइक्लोहेक्सेन को डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों, ये जो बीकर वही बीकर था, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड था अभी OH, ये लिक्विड तो वैसे ही है, तब क्या हो गया सर, आपने क्या उखाड़ दी, अरे बेटा कुछ नहीं उखाड़ा, मैंने नहीं उखाड़ा, साइक्लोहेक्सेन आके डिस्टर्ब कर दिया इसको। अब जब साइक्लोहेक्सेन आके इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब क्या हो चुका है, नो मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दी। सो साइक्लोहेक्सेन हैज ब्रोकन द हाइड्रोजन बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन हैज ब्रोकन द हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि इसने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दी, इस रीजन के चलते, क्योंकि इसने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दी, इस रीजन के चलते जो पुराने इंटरेक्शंस थे, अब ए और बी में, रुकिए बच्चों एक मिनट रुक जाइए, अलग अलग कलर से दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर, ये ए और बी जो रहा, क्या इनमें अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग रहेगा, नहीं, क्योंकि पहले ए और ए में कौन से बॉन्ड थे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, यहाँ पर कौन से बॉन्ड थे, यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, करेक्ट। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी रहे या टूट गए, टूट चुके हैं बच्चों, कम्प्लीटली टूट चुके हैं, तो इस रीजन के कारण अभी यहाँ पर जो आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा। किसने तोड़ा, किस इंसान ने तोड़ा, साइक्लोहेक्सेन ने तोड़ दी, तोड़ने के कारण अभी क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं सर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो क्या ए एन बी में जो इंटरेक्शन होगा, वो ए एन ए के जैसा स्ट्रांग होगा या वीक, वीक, मतलब ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए ए इंटरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन आ चुका है, ठीक है। तो ये हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट थ्योरी था। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो ए एंड बी जो इंट्रैक्शन वगैरह थी, ये तो आपको समझ में आ गया, आई होप आप लोगों ने नोट कर ली है, आराम से लिख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट करो, बिंदास नोट करो, टेंशन नहीं है, ठीक है, ओके लिख लिया। चलो अभी जो ए एंड बी में जो इंट्रैक्शन है वो वीक हो चुका है, ओके ए एंड बी में इंट्रैक्शन अभी वीक हो चुका है। सो क्योंकि ए एंड बी का इंट्रैक्शन नाउ इज वीक, इंट्रैक्शन इज वीक, इसके कारण बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर इंटरेक्शन वीक है, अगर इंटरेक्शन वीक है, मींस ए एंड बी विल बी मोर वॉलेटाइल, ये ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। क्यों, देखो अगर स्ट्रांग इंटरेक्शन रहा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्ट्रांग इंटरेक्शन रहे, तो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, वो आराम से ऊपर जाएगा नहीं, इट विल नॉट ट्राई टू क्रिएट एनी वेपर प्रेशर। लेकिन अगर वो टूट गया है, अब ये अकेला अकेला हो चुका है, सो दे कैन गो वेरी इजीली, दे कैन गो वेरी इजीली, तो इसके कारण दे विल बी मोर वॉलेटाइल। मोर वॉलेटाइल मतलब मोर वेपर प्रेशर्स, मोर वेपर प्रेशर मीन्स टू बॉइल देम लेस टेम्परेचर, इसका मतलब बॉयल करने के लिए उनको कम टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन
विच कंप्राइजेज ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी दोनों है, इन दोनों को बॉयल करना ईजी हो जाएगा, मतलब इट विल ड्रॉप डाउन। तो ये है आपकी कॉन्सेप्ट, जिसके कारण अगर आप यहाँ पर देखें क्या हुआ था कि यहाँ से जो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ये क्यों बढ़ रहा था, बिकॉज बोथ ऑफ देम नाउ विल स्टार्ट बॉइलिंग टुगेदर, और ऐसे एक साथ बॉयल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं एक साथ बॉयल करने के लिए, इस रीज़न के कारण एक साथ बॉयल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देयर वेपर प्रेशर हैज इंक्रीज्ड, क्यों इंक्रीज, क्योंकि पहले जो इंट्रैक्शन था अब उससे इंट्रैक्शन थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है, क्यों कम हो चुका है बेटा, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जैसे मॉलिक्यूल आके उसको तोड़ दिया, जो पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था यहाँ पर आपको जो साइक्लोहेक्सेन है वो आके उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया है। एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुकी है बेटा, और कुछ नहीं करना है, एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दी, तोड़ने के बाद इट हैज़ ब्रोकन द हाइड्रोजन बॉन्ड, वंस इट इज़ ब्रोकन नाउ दे आर वीक, वीक होने के कारण बच्चों यहाँ पर ए ए जो इंट्रैक्शन होगा उससे ए बी या जो सोल्यूट सॉल्वेंट होंगे, इन अदर वर्ड्स उनके इंट्रैक्शन ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के कारण इनके इंट्रैक्शन जब कम हो जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर में हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का मतलब क्या, मोर विल बी द वेपर प्रेशर्स एंड देन टू बॉयल देम वी रिक्वायर मोर टेम्परेचर या लेस टेम्परेचर, वी रिक्वायर लेस टेम्परेचर। सारे बच्चे क्लियर है, पक्का क्लियर है, पूरा क्लियर है, जबरदस्त क्लियर है, चलो ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन विल बी वीकर देन ए ए और बी बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये पहला पॉइंट है बेटा, ये पॉजिटिव डिविएशंस के लिए पहला पॉइंट है कि ए ए इंट्रैक्शन या बी बी इंट्रैक्शन से ए बी इंट्रैक्शन वीक हो चुका है, ठीक है। दूसरा, व्हाट हैज हैपेंड टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये बढ़ चुका है, ठीक है। तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ड्रॉप हो चुका है। चौथा, क्या यहाँ पर बॉन्ड टूट चुका है। अगर बॉन्ड टूट चुका है बच्चों तो एकदम क्लैरिटी से रखें कि यहाँ डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर इज पॉजिटिव, मतलब एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। ये क्या दर्शाता है कि ये कुछ और नहीं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्सचर इज पॉजिटिव, सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। पांचवा जो आ जाएगा यहाँ पर वो है डेल्टा वी मिक्सचर इज पॉजिटिव। ये मिक्सचर वी पॉजिटिव क्यों हो गया, देखो जब पहले सामने थे, जब अट्रैक्शन था तो सामने सामने थे, अब अट्रैक्शन टूट चुका है तो क्या सामने होंगे या दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो पहला जितना वॉल्यूम था अब वॉल्यूम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, दैट मीन्स द मिक्सचर्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, ठीक है बेटा। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता कि डेल्टा एस मिक्सचर एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग ये पॉजिटिव है, और सेवेंथ है कि डेल्टा जी मिक्सचर इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज कम्प्लीटली नेगेटिव। क्या आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हुए, पूरा क्लियर है, पॉजिटिव डिविएशन पूरा क्लियर है बच्चों। अब मैं अंतिम बात बताना चाहता हूँ, तो इस ग्राफ को मैं फिर से एनालाइज करता हूँ। इस ग्राफ में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, करेक्ट, ये एक आपका मैक्सिमम पॉइंट है। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं एकदम परपेंडिकुलर, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहां पर मैं एक लाइन खींचता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू अ मोल फ्रैक्शन। एंड यही वो पॉइंट है जहां पर आपके वेपर प्रेशर मैक्सिमम होंगे
और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होंगे, मतलब जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके जो बॉयल करेगा ना बेटा, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके बॉयल करेगा ना बेटा, वो वाले दोनों एक साथ बॉयल होंगे एट विच पर्टिकुलर कंडीशन? क्या यहाँ बॉयल होगा? क्या यहाँ बॉयल होगा? नहीं. क्या यहाँ बॉयल होगा एक साथ? नहीं. क्या यहाँ बॉयल होगा एक साथ? नहीं. क्या यहाँ पर एक साथ बॉयल होंगे? नहीं. क्या यहाँ पर बॉयल होंगे? नहीं. क्या यहाँ पर बॉयल होंगे? नहीं. विच ओनली दिस पॉइंट? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बेटा, बोथ ए एंड बी विल बॉयल टूगेदर एट अ टेम्परेचर विच इज ग्रेटर, एट अ टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन वॉट? एट अ टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन वॉट? यर लेसर देन पेपर प्रेशर विल बी मैक्सिमम, सो बॉइलिंग पॉइंट विल बी मिनिमम, सो दे विल बॉयल टूगेदर एट अ टेम्परेचर लोअर देन द लोएस्ट वन. यहाँ पर वेपर प्रेशर दोनों से ज़्यादा है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों से ही कम होंगे. पूरा क्लियर है बेटा? पूरा यहाँ पर कंसेप्शन क्लियर है? पूरा ठीक ठीक है? पूरा पूरा पक्का क्लियर है ना बेटा? पक्का क्लियर है? चलो ये समझ आया. अभी हम लोग दूसरे डिविएशंस के ऊपर आ जाते हैं जो हम लोग नेगेटिव डिविएशंस पढ़ते हैं. तो अभी मैं नेगेटिव डिविएशंस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर फिर से मुझे वो ग्राफ ड्रॉ ही करना है बेटा, वो तो मैं छोड़ तो नहीं सकता उस पॉइंट पे. तो ग्राफ फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ग्राफ फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा. ठीक है, ग्राफ फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ. और यहाँ फिर से मैं मोल फ्रैक्शन ए, यहाँ वन, यहाँ एक्स बी, यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन, यहाँ ज़ीरो. इस पॉइंट पे आपको पी नॉट बी मिलेगा बेटा, इस पॉइंट पे आपको पी नॉट ए मिलेगा. आई हैव अज्यूम कि लेट पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी. अब यहाँ पर वेपर प्रेशर है बच्चों, और हाँ अभी मैं इसको नेगेटिव डिविएशन मतलब उल्टा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. उल्टा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रुकिए यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार, हाँ मैं अभी इसका फ्रीज से एक एक्सपेक्टेड वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेता. ये एक्सपेक्टेड ग्राफ था, फिर ये भी एक एक्सपेक्टेड लाइन था, फिर ये सॉरी फिर ये एक एक्सपेक्टेड लाइन थी. अब मैं यहाँ पर कलरफुल कलर येल्लो डाल रहा हूँ. इस बार क्या होने वाला है देखता हूँ. इस बार कम होने वाला है, तीनों के एक्सपेक्टेशन से ये कम होने वाले हैं. ठीक है, ये होंगे. सो दिस विल बी द पॉइंट वेयर यू विल गेट दिस टाइम द मिनिमम वेपर प्रेशर्स. ये मिनिमम वेपर प्रेशर्स है, ये आपके मिनिमम वेपर प्रेशर्स है. और इस पॉइंट पे आपके बॉइलिंग पॉइंट इस बार क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डिविएशन उल्टा हो चुका है. नेगेटिव डिविएशन क्योंकि डिविएशन आपका उल्टा हो चुका है इस बार. ठीक है, ये दोनों से कम ही होंगे इस बार. नाउ अगर आप प्रैक्टिकली भी ड्रॉ करना, और अगर आप ठीक से ड्रॉ करना चाहते हो, मैं दिखा सकता हूँ बेटा. अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल से आप देखना चाहते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ. कोई आवश्यकता काम नहीं है इस पॉइंट पे. ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिटेल से और दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा कम है, इसके थोड़े कम है, इसके भी थोड़े कम है. तो ये जो डिप पॉइंट है, ठीक है बच्चों, ये जो डिप पॉइंट है, दिस विल बी द मिनिमम वेपर प्रेशर्स. ठीक है, और इस पॉइंट पे आपके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे. ठीक है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन की ग्राफ है. यहाँ पर हमको बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन की ग्राफ भी आपको पूछ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है बेटा. सर नहीं कि नहीं होगा. अच्छा, अभी ये दोनों कम हो चुके हैं, कम होने के कारण अभी ध्यान से थोड़ा देखें. ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है. अच्छा, अब ध्यान से देखें कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम हो चुका है, वेपर प्रेशर मिनिमम हो चुके हैं. तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होंगे. एक्सपेक्टेड से इस बार क्या होगा, कम. तो मतलब एक्सपेक्टेड विल बी मोर देन द एक्चुअल. ये आपका मेन मूल मंत्र, मतलब यहाँ जो पी टोटल था ये एक्सपेक्टेड था, ये क्या था पी ए था, ये भी एक्सपेक्टेड था बेटा. और ये क्या था पी बी था, ये भी एक्सपेक्टेड था. लेकिन अभी जो ये वाला ग्राफ है, यहाँ पर जो पी टोटल मिलेगा, ये हद से ज़्यादा होगा या हद से कम होगा? कम हो जाएंगे बेटा. इस पर इसके बाद ज़्यादा हुआ था, इट विल बी लेसर देन पी ए प्लस पी बी. पहला पॉइंट ये आया. ये यही मेन पॉइंट है, आपको थियोरिटिकल पॉइंट के हिसाब से याद भी रखना या कंसेप्ट तो पूरा क्लियर कर रखना. सो पी ए होगा दैट विल बी लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए. मैंने पिछला पॉइंट वाला देखिए, पिछला पॉइंट वाला आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँ.
हाँ जैसे यहाँ पर था, देखिए पीबी ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पीबी आपका कम होगा, लेसर देन द एक्सपेक्टेड पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हो चुके हैं। व्हाट विल हैपन टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इट विल डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल व्हाट इंक्रीज। तो ऐसे 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 सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। क्या बोलने वाला है बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो चुका है तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है। आई होप ग्राफ पूरा क्लियर है बच्चों। चलो अभी इसके एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो थ्योरी ऑफ नेगेटिव डिविएशंस, ग्राफ तो पूरा समझा ही दी, ठीक है। नेगेटिव डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन इतना कोई नहीं समझाता बेटा, मैं पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव डिविएशन है यहाँ, तो अभी मान लेता हूँ मेरे पास एक कंटेनर था और इस कंटेनर में मान लीजिए मेरे पास क्लोरोफॉर्म थी, यहाँ क्लोरोफॉर्म आ चुका है। अब इन दोनों के बीच था एक नॉर्मल डाइपोल इंट्रैक्शंस, डाइपोल इंट्रैक्शन था। अब क्या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, मतलब ये अगर कैपिटल ए मॉलिक्यूल है, ये भी कैपिटल ए ए मॉलिक्यूल है, तो ए ए इंट्रैक्शन वॉज वीक। लेकिन अब मैं क्या करूंगा बच्चों, बाहर से कुछ एक चीज़ डालने वाला हूँ, पिछले बार भी डाला था साइक्लोहेक्सेन, बॉन्ड तोड़ दिया था, इस बार मैं एक नया चीज़ कैपिटल बी डालूंगा जो कि कुछ और नहीं एसीटोन है, वही एसीटोन जो महिलाएं अपने नेल पॉलिश में लगाती है, इसको नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब डाल दी मैंने, अब मेरे को बीकर, मेरा बीकर का भी देखने के लिए कैसा हो जाएगा, देखो मैं दिखाता हूँ। तो अभी ध्यान से देखो, मेरे पास क्लोरोफॉर्म थी, हाँ क्लोरोफॉर्म, ये था मेरा क्लोरोफॉर्म, दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी क्लोरोफॉर्म का है, अभी ऐसा नहीं है कि भाग गया है कहीं पर, ठीक है। लेकिन अभी भीतर में कौन घुस चुका है, एसीटोन, अब एसीटोन आ चुका है। तो ये है ए, ये है बी और ये है फिर से ए। अब क्या होगा बेटा, अब आप ध्यान से देखो तो आपको पूरा क्लैरिटी आएंगे कि ये एक नया, इसके बीच में एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी डेवलप्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी डेवलप्ड। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ डेवलप हो चुका है तो क्या इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, वीक, स्ट्रांग हो जाएगा, वीक, स्ट्रांग हो जाएगा, वीक, स्ट्रांग हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा था पहले केस में, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। सो हियर न्यू इंट्रैक्शन इज स्ट्रांग, ठीक है, न्यू इंट्रैक्शन इज स्ट्रांग। अगर न्यू इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप बताओ एक चीज, ए ए ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ये ए बी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग था, या नया वाला में ज़्यादा स्ट्रांग है, नया वाला में ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब ए और बी में ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सो ए बी विल बी ग्रेटर देन ए ए और बी बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन। पूरा क्लियर है बेटा, ए ए और बी बी से ए बी के इंटरैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, पूरा क्लियर है बेटा। अब आप मुझे बात बताओ, ये पूरा क्लियर है, आई होप पूरा पूरी नोट कर लोगे, ठीक है। तो अभी देखो, अगर अगर इंट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ है तो क्या मॉलिक्यूल सामने आएंगे या दूर जाएंगे, या नया बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, पहले मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे, अभी मॉलिक्यूल्स बहुत सामने आ चुके हैं, तो क्या हो रहा है, बॉन्डिंग इज स्टार्टेड, करेक्ट। नाउ यहाँ पर इसका मतलब न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, न्यू बॉन्ड फॉर्म मतलब डेल्टा एच मिक्सचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। वाई, एक्सोथर्मिक, क्यों एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरी, डेल्टा वी जो मिक्सचर है, अभी क्योंकि मॉलिक्यूल सामने आ रहे हैं तो ज़्यादा सामने आ गया, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज, दे विल डिक्रीज, ठीक है। तीसरा, हमको पता चल चुका है कि ए ए और बी बी इंटरेक्शन से ए बी इंटरेक्शन आपके ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। चौथा, यहाँ पर एक बहुत ही जेन्युइन वाली केस है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इस बार क्या हो चुका है बेटा, कम, क्यों, पहले इतना स्ट्रांग नहीं था,
अब स्ट्रांग हो चुका है, क्या ये वेपर्स बनाने के लिए इजी देंगे, इजीली कोशिश करेंगे? नहीं बेटा, यहाँ पर इजीली कोशिश नहीं करेगा, ये इजीली ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो ये वेपर प्रेशर विल ड्रॉप डाउन। तो इसी के बाद पे चलते, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिटर बोलेंगे। इसके बाद हम लोग को पता है कि डेल्टा एस मिक्सचर कोई भी सोल्यूशन हो, यहाँ पर हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, और डेल्टा एच जो मिक्सचर है बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा डेल्टा जी मिक्सचर, ये इसकी वैल्यू हमेशा आपकी नेगेटिव ही आने वाली है। तो इसके चलते अभी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर विल इट बॉइल टुगेदर एट एवरी पॉइंट, नो, ओनली एट दिस पॉइंट डे बॉइल टुगेदर। सो ओनली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दे विल स्टार्ट गेटिंग बॉइल्ड टुगेदर, ठीक है? आई होप एवरी वन इज क्लियर टू दिस पॉइंट। चलो अभी हम लोग को पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन दोनों क्लियर हो चुका है बेटा, दोनों के दोनों हमारे पूरा क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? अभी इसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव को मैं टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तब आपका पूरा दिमाग साफ हो चुका है, ठीक है? मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी, मैं आपको एक लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स भी डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? लास्ट में आपको दे दूंगा ये चीज़, यही आपको पढ़ना है एग्जांपल्स, जो कि जेईई एडवांस या नीट कहीं पर भी आ सकते हैं, और इसको बहुत इंपॉर्टेंस से पढ़िए बच्चों, ठीक है? अच्छा चलो अभी मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैंने अभी एक नया पॉइंट उठा दिया कि टेम्परेचर नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है? तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, मैं कुछ चीज़ें आपको एकदम क्लैरिटी से ड्रॉ करने के लिए कोशिश करूँगा। ये है आपकी नॉर्मल कर्व, पहला एक बेसिक पॉइंट, सो दिस इज द बेसिक वाला जो मैं आपको ड्रॉ करने वाला हूँ, द बेसिक ग्राफ, इसके ऊपर ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो बेसिक ग्राफ क्या बताता है, बेसिक ग्राफ आपको क्या बताता है कि अगर आप यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स ए ले लेता हूँ, यहाँ वन है, यहाँ ज़ीरो है, एक्स भी यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ वन है, मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैं एक चीज़ अज्यूम करके लेता हूँ कि लेट पी नॉट ए बी ग्रेटर देन पी नॉट बी। बेटा तुम उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेट पी नॉट ए बी ग्रेटर देन पी नॉट बी, इन दैट केस, इस केस में आपको जीरो मिलेगा, मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपको, यहाँ पर मैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिख लेता हूँ, इस पॉइंट पर आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है? अगर पी नॉट ए पी नॉट बी से ज़्यादा है, इसका मतलब टी बी नॉट ए विल बी स्मॉलर देन टी बी नॉट बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूँ, इस पॉइंट पे मैंने टी बी नॉट बी लिख दी, जिसकी हाइट मैंने ज़्यादा ले ली। अब यहाँ पर मैंने टी बी नॉट ए लिख ली, जिसकी हाइट मैंने कम ले ली, ठीक है? अब क्या होगा अगर आप ध्यान से देखें तो, नाउ बोथ विल नॉट बॉइल पॉइंट्स आउट हियर। नॉर्मल केस में क्या होती है, नॉर्मल यहाँ पर पहले, दिस इज फॉर विच ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशंस, पहले तो आइडियल के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ है, एकदम क्लैरिटी रखे। पहले तो काम ही कर लेता हूँ बेटा, ये तो टॉपिक में ही मैं फॉर पहले आइडियल कर लेता हूँ, ठीक है? अब ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, दोनों ही कर्वेचर नेचर के क्यों होते हैं? अब कहीं से भी कैसे भी जाओ, यहाँ पर ये दोनों ही कर्वेचर नेचर के क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कर्वेचर नेचर के, क्योंकि हमको पता है कि एक फॉर्मूला मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, वेपर प्रेशर वर्सेस जब आप मोल फ्रैक्शंस या कुछ भी कर रहे हो, तो डीपी आपको याद है शायद, डीपी के हिसाब से डेल्टा टी बाय टी स्क्वायर था, करेक्ट? तो यहाँ पर ये ग्राफ किस नेचर का है बताओ, ये जो डीपी बाय डीटी या कोई भी आप बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ही करो, या बॉइलिंग पॉइंट के इस पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या है, ये कर्वेचर ग्राफ है, दिस इज अ कर्व ग्राफ, कर्व होने के कारण यहाँ पर ये कर्व लाइन मिलता है,
ठीक है, तो ये नॉर्मल जो आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ होता है बिटवीन टीबी नॉट ए एंड टीबी नॉट बी, ये दोनों आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, पूरा क्लियर है? अब अगर मेन मुद्दे पे आए कि बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ वर्सेस मोल फ्रैक्शन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बता देते, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो एक ही पेज में मैं दोनों को करके दिखा देता हूँ। पहला वाला मैं दिखा देता हूँ फॉर पॉजिटिव डिविएशंस, फॉर पॉजिटिव डिविएशन, एंड दूसरा वाला मैं दिखाऊंगा इधर, दैट इज फॉर नेगेटिव डिविएशंस। ठीक है, यहां मैं दिखा दूंगा आपको फॉर नेगेटिव डिविएशंस। अब फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूं बेटा, आपको एक ही ग्राफ में अगर समझा दिया जाए ना, पूरा क्लियरिटी हो जाते बेटा। ठीक है, ठीक, चलो अभी फिर से मान लेता हूं दोनों के लिए P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, मैं मान के चलता हूं। तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट क्या होगा, TB नॉट A जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B से कम ही होगा, ये पक्का क्लियर है। चलो यहां X A ले लिया बेटा, इधर 1 ले ली, इधर मैंने 0 ले ली, इधर X B ले लिया बेटा, इधर मैंने 0 ले ली, इधर मैंने 1 ले ली। अब इंटरेस्टिंग फॉर पॉजिटिव डिविएशंस, पॉजिटिव डिविएशंस के लिए, हालांकि ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ जेई नीट के लिए है, बोर्ड्स के लिए नहीं है बेटा, बोर्ड्स में आपके कोर्स में नहीं है ये चीज़। तो यहाँ मैं बॉइलिंग पॉइंट का कर्व ड्रॉ करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टी बी नॉट मैंने हाइट बी के लिए ज़्यादा ले ली और टी बी नॉट फॉर ए के लिए मैंने हाइट कम ले ली। अब फॉर अ पॉजिटिव डिविएशन व्हाट डज इट हैपन, विल द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज, आप देख के बोलो, आप देख के बोलो बेटा कि फॉर अ पॉजिटिव डिविएशंस मैंने यहाँ पर क्या लिखाया था कि द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, करेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। और अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे कुछ होंगे, दिस विल बी द पॉइंट वेर योर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट विल टेक प्लेस। क्या यह हर कोई मोल फ्रैक्शंस पे होगा? नहीं, ओनली एट दिस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन, ओनली एट डिसकम्पोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का ओनली एट डिसकम्पोजिशन का मतलब क्या है बेटा, कि सिर्फ और सिर्फ इसी मोल फ्रैक्शंस में आपको ये ग्राफ मिलेगा, या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर ड्रॉ कर, अगर वेपर प्रेशर देखो तो उसी पॉइंट में मैक्सिमम होता है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट के साथ से ड्रॉ करो तो उसी पॉइंट में मिनिमम हो जाती है। ठीक है, उसी के केस के हिसाब से यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी है, इधर 1, इधर 0, एक्स बी इधर 0 और इधर हो गए 1। इस केस में बॉइलिंग पॉइंट फिर यहाँ है आपकी, अच्छा रुको मैं फिर से मान लेता हूँ, यहाँ पर टी बी नॉट बी है ज़्यादा, एक काम करता हूँ थोड़ा हाइट काम कर लेके दिखाता हूँ, यहाँ पर टी बी नॉट बी और यहाँ हो गया आपका टी बी नॉट ए। अब इन नेगेटिव डिविएशंस वेपर प्रेशर्स क्या होता था? कम, तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। सो इन दोनों से भी ज़्यादा के टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे, सो दिस विल बॉइल एट दिस टेम्परेचर। क्या ये हर कोई मोल फ्रैक्शन पे होगा? नहीं, ओनली एट दिस कंपोजिशन। आपको शायद पूरा का पूरा क्लियर है कि इस बार बॉइलिंग पॉइंट्स जब टेम्परेचर के हिसाब से रखें तो ऊपर जाएंगे, और जब पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन में एंड पॉजिटिव डिविएशन में जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, उस समय बॉइलिंग पॉइंट आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं करवा देता हूं, तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, यू हैव अ कंप्लीट फुल सॉल्यूशन फॉर दैट पॉइंट। कि इफ ए एंड बी हैव गॉट पॉजिटिव डिविएशन, मान लेते हैं ए एंड बी हैव गॉट पॉजिटिव डिविएशंस, और मैंने आपको ये बोल दी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 200 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 400 केल्विन। मैंने आपको पूछा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये क्या होगा आंसर्स? देखिए, अब पॉजिटिव डिविएशन मतलब इसमें वेपर प्रेशर्स कम होंगे, सॉरी वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होंगे, सो दे विल बॉइल टुगेदर एट लेसर देन द लेस्ट, मतलब 200 केल्विन से भी कम। इसका एग्जांपल कहाँ से, मान लीजिए यही आपका 200 केल्विन 400 केल्विन था, और मान लीजिए ये आपका 200 केल्विन है
सो दे वर बॉइलिंग टुगेदर एट अ टेम्परेचर लोअर देन, दोनों के हाइट से, ध्यान से देखो, दोनों के हाइट से ये कम पॉइंट पे ही, ये व्हाइट वाला पॉइंट कम पॉइंट पे ही है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इससे कम में ही चल रहा है, ठीक है, पूरा क्लियर है। और अगर मैंने आपको सिचुएशन ऐसे दे दी मैंने सिचुएशन यहाँ पर ऐसे दे दी कि इफ ए एंड बी हैव गॉट नेगेटिव डिविएशंस एंड इन दैट केस मान लीजिए मैंने आपको टीबी नॉट दे दी, टीबी नॉट ए इस बार मैंने 600 केल्विन दे दिया और टीबी नॉट बी मैंने इस बार 800 केल्विन दे दिया, तब अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्या आप बता सकते हो क्या होगा? देखो नेगेटिव डिविएशन में क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव डिविएशन में क्या हो रहा है, आपके बॉइलिंग पॉइंट्स जंप करेंगे, तो ये दिस विल बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट। अब हाईएस्ट वाला कौन सा है, 800। जैसे इस केस में देखो ये वाला अगर 800 है, यहाँ 800 केल्विन है और ये मान लीजिए आपका 600 केल्विन है, तो जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा, क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर हर केस में मिलता है? नहीं, मैक्सिमम पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। तो इस केस में आपको जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन द हाईएस्ट वन, दैट इज 800 केल्विन। पूरा क्लियर है बेटा? तो आई होप सारे बच्चों को पूरा डिटेल से पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन पूरा क्लियर हुआ है, और अगले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स वगैरह भी मैं इस नोट पे दे दूंगा, ठीक है। और आई होप एवरीवन गेट्स टू अ डिटेल पॉइंट। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं बेटा, और तब तक के लिए गुड नाइट, गुड डे, गुड इवनिंग, जब भी आप मुझे देख रहे हो कोई टेंशन का बात नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्री में भारत का सबसे अच्छा कॉन्टेंट, सच में डिटेल्ड नंबर वन यूट्यूब चैनल बनने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे फ्री में पढ़ाना है, आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से दे रहा हूँ कंटेंट, आप पढ़ो, मज़ा करो, रिजल्ट निकालो, ठीक है बेटा, चलिए रखते हैं, थैंक यू।